असलम डे स्टूडेंट्स होप यू आल आर फाइन एंड सेफ स्टूडेंट्स टुडे वी विल कंटिन्यू लेसन मुगल एम्पायर सोशो कल्चरल कंडीशंस सो स्टूडेंट्स इस लेसन में आज हम डिस्कस करेंगे डिवेलमेंट्स ऑफ साइंसेस आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर अंडर दी मुगल्स कि मुग़ल एरा के दौर में साइंस आर्ट्स और आर्किटेक्चर में क्या क्या डिवेलपमेंट्स हुई द मुगल्स फोकस्ड इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ देयर डिवलपमेंट मुगल्स ने अपनी तरक्की के लिए तमाम पहलुओं पर तोज् दी थी उन्होंने साइंटिस्ट आर्टिस्ट पेंटर्स पोइट हिस्टोरियंस आर्किटेक्ट्स स्कॉलर्स और म्यूजिशंस को बहुत ज़्यादा इंक्रेज किया था अपने दौर में मुगल्स में साइंसिस आर्ट्स और आर्किटेक्चर में जो डेवलपमेंट्स हुई उनके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं मुगल रूलर्स फ्यूज इस्लामिक इस्ट्रोनी विद इंडियन एस्ट्रॉमी ऑलमोस्ट अंड्रेड सीच क्रिएटिस एंड एस्ट्रोनिकल हैंड बुक वर डिवेलप बाई कम्बाइनिंग इस्लामिक ऑब्जरवेशनल टेक्निक्स एंड एक विथ हिंदू कम्पिटेशनल मैथड्स मुगल रूलर्स ने इस्लामिक एस्ट्रोनोमी को इंडियन एस्ट्रोनोमी से जोड़ दिया था तकरीबन 100 सौ जिज तसनीफ़ को इस्लामिक ऑब्ज़र्वेशनल टेक्निक्स और इक्विपमेंट यानी आलात को हिंदू कम्पटिशनल तरीक़ों से जोड़ कर तैयार किया गया था उन्होंने जजिस यानी एस्ट्रोनॉमिकल टेबल को भी डेवलप किया जिज़ शाहजहां के दौर में तैयार किया गया था हुमायूं ने दिल्ली के करीब एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी तमीर करवाई थी अकबर के दौर में पहली बार मल्टी शॉटगन ईजाद हुई थी मुग़ल एरा की सबसे काबिल एस्ट्रोनॉमिकल इन्वेंशन यानी एजाद एक सेलेस्टियल ग्लोब था ग्लोब स्टार्स की ज़हरी पोजीशन के बारे में बताती है। आयरन एंड मेटल सिलेंडर रॉकेट वेपनरी वॉज ऑल्सो बाबर डिवलप्ड वाटर चैनल्स एंड अकबर बिल्ट अ डैम हैविंग थर्टीन गेट्स एंड इरीगेशन सिस्टम वॉज ऑल्सो फ्लोरिश्ड बाई शाहजहान आयरन गैस और मेटल सिलेंडर रॉकेट के हथियारों की ईजाद भी की गई थी बाबर ने वाटर चैनल्स तैयार किए और अकबर ने एक डेम बनवाया जिसमें तेरह दरवाजे थे शाहजहान ने इरीगेशन यानी आबपाशु के निजाम को भी प्रवान चढ़ाया था इसने जमुना करीब नहर फेस और शहनूर तैयार किया ताकि करीब की ज़मीनों को सैराब किया जा सके शैम्पूज़ वर फर्स्ट डप्ड इन दी मुग़ल एरा शैम्पू पहले मुग़ल एरा में तैयार किए गए थे अकबर के दौर में मैथमेटिक्स की बहुत सी किताबें संस्कृत से फ़ारसी ज़बान में ट्रांसलेट की गईं मुगल्स में ख़ास तौर पर अकबर जहांगीर और आलमगीर मेडिसन्स और ड्रग्स पर काम करते थे स्कॉलर्स ने मेडिसन पर बहुत सी किताबें लिखीं और दूसरी लैंग्वेजेस में किताबों का फ़ारसी में तर्जुमा किया अब हम बात करते हैं आर्किटेक्चर की मुगल आर्किटेक्चर वाज डोमेटेड बाई कार एंड पेंटिंग क़ुरआन एंड अरेबिकॉ एंड परशियन फ्लोरल एंड ज्योमेट्रिक मोटिव मुगल आर्किटेक्चर में नक्शो नगार और कुरान मजीद के मदन की नक्काशी और अरबिक और पर्शियन फूलों और ज्योमेट्रिक मोटिफ्स का गलबा था दे बिल्ट मैनी मैग्निफिसेंट मास्टर्स ट्स गार्डन्स पैलेसेस इन्ज एंड मानोमेंट्स इन शाहजहान स्ट्रीन रेड मार्बल सेंट वर यूज इन कंस्ट्रक्शन उन्होंने बहुत सी बेहतरीन मस्जिद मकबरे, बागात महल और मोनमेंट्स तमीर करवाएं। शाहजहां के दौरे हकूमत में रेड संग मरमर के रेत के पत्थर तामेर में इस्तेमाल होते थे अकबर के दौर में ट्रेबियटी टेक्निक और मीर में सजे हुए आर्चेज यानी महरबों का इस्तेमाल किया गया था हिंदुओं के अंदाज से मुतासर शाहजहान ने बलबस डोम और लॉन्ग आर्चेस के साथ इस्लामी पेट्रोडा पर जोर दिया जहलम के करीब रोहतास किला भी शेरशाह सूरी के दौर में तमीर करदा मुस्लिम आर्किटेक्चर का शाहकार है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा फोर्ट्रेस पैलेस आगरा में फ़तेहपुर सिकरी में एक मस्जिद सलीम चिश्ती का मकबरा जोधाबाई मरियम सुल्ताना और बिरबल के महलाक इसके अलावा दीवान खास पंचमहल और बुलंद दरवाज़ा जैसी यादगार अकबर के दौर में तामीर की गई थी जहांगीर का मकबरा लाहौर में मोती मस्जिद दिल्ली में और ताजमहल आगरा में शाहजहां के दौर में तामीर किया गया था आलमगीर ने पाचाही मस्जिद लाहौर में तामीर करवाई थी अब हम बात करेंगे आर्ट्स की द मुगल्स प्रमोटेड इस्लामिक एंड कुरानिक टीचिंग इन इंडिया मुगल एम्पायरस है आर्ट मुगल्स ने इंडिया में इस्लामी और कुरानिक तलिम को फ़रग दिया था मुग़ल एम्प्रयर्स का आर्ट में एस्थेटिक सेंस और उमदा जौक़ था मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग ऑरिजिनेटेड इन इंडिया ड्यूरिंग अकबर रेन ही पेंटर एंड इनकरेज पेंटर्स एंड पेंटिंग्स मुगल स्टाइल की पेंटिंग्स की इब्तदा अकबर के दौर में इंडिया से हुई अकबर खुद भी पेंटर था और पेंटिंग और पेंटर्स की हौसला अफजाई करता था पेंटर्स ने राइटर्स की कहानियों और इनके काम को वाजे किया हमायूं वाउंड ऑफ कैलीग्राफी दी आर्ट ऑफ कैलीग्राफी फ्लरिश डूरिंग हिज रीन हमायों को कैलीग्राफी का शौक था कैलीग्राफी का फन इनके दौर में बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था जहांगीर फिन इज कंसिडर्ड गोल्डन एज ऑफ मुगल पेंटिंग emperors, family, suffis, जहंगीर फोर्टिफाइड ऑफ पेंटिंग द पोर्ट्रेट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली सूफी सोल्जर्स एंड वर पेंटेड इन हिज एरा जहांगीर का दौर मुगल पेंटिंग का सुनहरी दौर समझा जाता था जहांगीर ने पेंटिंग के अंदाज को बहुत ज़्यादा मज़बूत किया इनके दौर में एम्प्रर्स शाही ख़ानदान के मेंबर्स सूफी सोल्जर्स और आर्टिस्ट की पेंटिंग्स बनाई गई थी स्टूडेंट्स so, यहाँ तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है